सीने, लड़की गोरी हो या काली हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, आर चैनल सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। सुबह सुबह के टाइम है और कोल्ड की हालत ऐसी ऐसी है, और टाइम हुआ है घड़ी में, उप्स मेरे लैपटॉप ने गिर गया, 9 बजे हैं। लेकिन मैं सुबह उठ गई थी जल्दी ही, वो भी 6:30 उठी, गौरव को कॉफ़ी दी, थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड दिया और फिर सिम्बा पॉपकॉर्न को घुमा भी लिया। अब लैपटॉप खोल लिया तो सोचा हेलो आई तो कर लूँ, वरना डे की शुरुआत कैसी होगी। तो देखो आज का डे कैसा जाता है मेरा। वैसे मेरा डे प्लान्ड है, जिम जाने हर हालत में, कल भी नहीं गई क्योंकि एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी, आंखों में से पानी आ रहा था। डैडी का व्लॉग भी बनाना है कंपाउंड फिटनेस का, तो वहां पर भी जाना है, और सोच रही हूँ अगर गौरव मान जाए सिम्बा पॉपकॉर्न को साथ लेके जाएंगे। मेरा शेड्यूल फुल प्लान्ड है, तो देखो कैसा जाता है, चलो चलो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट चने, वो भी दिखाऊंगी आपको। दोस्तों सुबह सुबह के टाइम है और मैं डैडी के लिए बना रही हूँ बढ़िया बढ़िया ऑमलेट। ऑमलेट नहीं है, इसे बोलूंगी मैं एग बर्गर, डिफरेंट टाइप से बर्गर रेडी है। एग बर्गर मेरे पास बचा हुआ था, तो देखो ब्रोकली वाला बना रही हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है चाय, दोबारा बॉइल करूंगी। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ठंडी हो गई ये बेचारी अबला नहारी की कहानी। तो किचन में आ गई और ये मेरा मसाला बीट हो गया, गैस ऑन हो गया और चने मेरे हो गए बॉईल, मतलब बहुत ही बढ़िया बॉईल हो गए हैं। Once upon a time, there was a player in every corner doing tricks for a dime. All the streets were cold. दोस्तों मेरे फ्रिज की हालत बहुत गंदी हो गई है, साफ करते हैं। मेन तो मैंने इसके लिए सेट करा, डैडी लाए थे गुआवा और एप्पल, तो मैं इनका सेट करूं। गजब के बने, बहुत ही बढ़िया, और साथ में सैलेड पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ मैं। हैप्पी लंच दोस्तों, रेडी हैं हम डैडी का व्लॉग बनाने को। पॉपकॉर्न और सिम्बी दोनों आए हैं, पूछ देखो सिम्बी क्या दोस्तों, डैडी जिंजर पॉप को भी आए हैं। हैप्पी मी, मैं इतने एक्साइटेड है मैं बता नहीं सकती। He didn't need no reason more than the oh so pleasing bright shining silver and gold. अब हम प्लान करें कि सिमी पॉपकॉर्न को कहाँ रखेंगे। वैसे इन्होंने इतना डिस्टर्ब नहीं करा, उनको जगह भी मिल गई है, यहाँ से वो पॉपकॉर्न को बांध दिया जाएगा। दोस्तों दोनों ऑक्यूपाइड है, अभी हमारी फिक्स जगह होगी, चिमी पॉपकॉर्न हमारे साथ आए करेंगे जब जब विंटर्स हैं। समर्स में तो डिफिकल्ट होगा, बट हैप्पी मी, मेरे दोनों बच्चे भी आ गए। पॉपकी दिखाओ इधर, दुनिया देख रहे पॉपकॉर्न इंजॉय करते हैं, सिम्बा तो होते हैं वो। ये लड़का आते ही कुछ ना कुछ क्या मुंह में ले रहा है, खा खा यहाँ ग्रास खा ले। डैडी पूरा अपना अनपैकिंग कर रहे हैं, योगा मैट निकाल दिया, स्टैंडिंग निकाल ली, हम चेक कर रहे हैं डैडी। हेलो, चेक चेक, माइक बंद कर दिया। हाँ गाइस, लास्ट टाइम मेरा माइक भी ऑन रह गया था, तो मेरी माइक से बहुत हवा की आवाज आ रही थी, इस बार मैंने अपना माइक बंद कर लिया। डैडी चेक करो, चेक चेक, हेलो हेलो। डैडी जब तक अपनी सेटिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने बेबीज के साथ बैठ जाऊं, थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेती हूँ। दोनों घास खा रहे हैं, ये तो फ्रेश फ्रेश घास है, खाने दो।
और मैंने सोचा था इन दोनों के साथ अपना फोटो सेशन करूंगी। मैंने जिम वाले कपड़े डाले हैं, आप सोचोगे नहीं जिम वाले कपड़े क्यों डाले, क्योंकि हम इस टाइम पे आए हैं जब डैडी का ये शूट खत्म हो जाएगा, फिर मैं सोची हूँ आधे घंटे का ही टाइम होगा फिर मैं जिम चली जाऊंगी। कोल्ड कफ अभी भी है, देखो कैसे नीले नीले हो गए, बेचारी लड़की। इट्स ओके, सहलेगी। सिम्बा फोटो, एक फोटो, इतना बदतमीज लड़का है, चीमी फोटो, घास खाने में लगा हुआ है। सिम्बी मामा को देखो, सिम्बा मामा को देखो, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ फोटो खिंचवाने में। पॉपकॉर्न को कोई आवाजें आ रही है किसी उसकी एनिमल की, तो वहां बना हुआ शेर अपना शिकार ढूंढ रहे। देखो 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 कैसे कर रहे। टिशु बेचारी क्या करे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इट्स ओके, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। डैडी फोन की सेटिंग कर रहे हैं। कौन है, कौन आया? दोस्तों ये दोनों बहुत बदतमीज है, आपस में इन्होंने फोटोशूट इतना करवा लिया, मेरे साथ इनको कराने को टाइम ही नहीं है। भाव खा रहे थे, मेरे साथ एक फोटो ढंग की नहीं आई है और खुद इतने लवली लवली पोज मार चुके हैं दोनों जने। ओह पप्पू की टुई में लग गया कुछ। चलो सिम्बी तो सेटल हो गई। माइक दे रही हूँ, ले ले। दोस्तों मेरी न्यू लेगिंग भी देखो, कल यही आई थी ना, डाल भी ली। Is turning and you don't even wanna know why. Lo and behold. Dosto, andhera ho gaya hai. Mama ki torch on hai. Chimba, mera good boy tha. Chalo, packing time. Is mummy ke pille ne bahut dukhi kar raha hai, bahut dukhi kar raha hai. Papu ne chain bhi nikal di thi apni. ये तो सती सावित्री है ना, ये कोई नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस। तो हालत देखो जरा, देख रहे ये तो कुछ भी नहीं है। देखो एक सोफा, ये मेरा टेबल और ये एक सोफा, देख रहे हो यहाँ पर मेरे कपड़े हैं। ये वाला बैग खोलना, ये बैग खोलना। तो मिशन सक्सेसफुल, सारे कपड़े लग गए। दोस्तों यम्मी यम्मी अमरूद खाया जा रहा है और हम चले अब जिम। डैडी भी रेडी है, चलो 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 अब जिम चले। डैडी भी आज जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी है आज योगा क्लास। डैडी कहते मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा, व्हाई नॉट, चलो योगा करेंगे। आई लव योगा। तो पता है मेरी हालत ऐसी रहती है, आज स्कूल जा रहे हैं और आज आर्ट्स का पीरियड है, तो बच गए। गाइस मुझे बहुत डर लगता है जिम से, मजाक नहीं करी, मैंने जिम में बहुत टाइम लगाना, मुझे होता है कि हाय आर्ट्स नहीं कि मेरे जैसे होते हैं, इन्हें आर्ट्स से भी डर लगता है। म्यूजिक जिसमें कुछ नहीं होता। हाँ आर्ट्स से भी तुम्हारी कभी कभी लग सकती है, पर म्यूजिक में कभी नहीं लगती। हाँ मुझे ये कह लो म्यूजिक का पीरियड आज मैं अटेंड करने जा रही हूँ। बैक बेंचर्स होते हैं, कैसे होते हैं, हम जैसे होते हैं, हम मैं तो हमेशा आगे बैठती थी, फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट सेकंड, बस मैं बैठती थी। मैं कभी टेस्ट में नहीं बैठा, फर्स्ट सेकंड में मैं पीछे बैठती थी, थोड़ी सी चीटिंग कर लेती थी मैं। फर्स्ट सेकंड में मैं अगर आगे, मतलब जिस दिन मैं आगे बैठ गया वो तो दिन कह के खराब कर रहा जी। और जिस दिन मैं पीछे बैठ गई मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे होता था कि मैं ब्लैंक हो गई हूँ क्लास में। आगे अटेंटिव रहती ना कि ठीक है, ऐसे आगे बैठ तो कौन सा डॉक्टर की निशा बन गई है। ठीक है चलो यार, ठीक है यार, इसमें क्या हो गया। ठीक है एटलीस्ट मुझे वो दुख तो नहीं है ना कि मैं पीछे बैठा हूँ, आगे नहीं बैठा। शायद आगे बैठा होता तो पायलट बन जाता। पायलट नहीं कह रही, तुझे एक्टर बनना था, इसको एक्टर बनना था और इसको डॉक्टर बनना था। अपना नहीं हंसेगा, मेरी तो इसे खिल्ली उड़ाना था। की 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 की। हाँ राइट राइट। तेरे अलावा यहाँ पे किसी और को हंसी आ रही है? नहीं आ रही है, मेरे दोस्तों को आ रही है ना, बताना दोस्तों हंसी आ रही है।
अपना नाम ठीक करा लियो यहाँ पे। अपना नाम ठीक करा लूंगी कि मिशा शर्मा, तो उसमें सुधन हुआ है ना। दोस्तों जिम से निकलने के बाद हमारा प्लान बन गया सूप का, क्योंकि डैडी ने क्या बोला, मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ, राइट डैडी? चलो सूप पीने चले। इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट था, मोती महल रेस्टोरेंट, आउच बम्प पे मारो, होटल था मोती महल। गौरव कहता फील नहीं आ रही, उसमें गाने नहीं चल रहे। अब देखो आउच सॉरी, वहाँ गाने चलते हैं नहीं चलते, डैडी को फील आती है नहीं आती। लेट्स गो। ओहो ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं कितना गिरूंगी। दोस्तों बथेरियाँ शादी आ रही हूँ, देखो कितनी डेकोरेशन हुई हुई है। You had your eyes on all the bright shining silver and gold. तो आज लाइव म्यूजिक नहीं चल रहा है। और फोन मेरी हैंड की से प्रॉब्लम है। कितना हैंड की फोल्ड करते हैं? क्या करूँ? यमी तालमेन, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी सोया सॉस, अब थोड़ी सी केचप, जस्ट थोड़ी सी टेस्ट आ जाए ना थोड़ा सा। दोस्तों डैडी पी रहे टमाटो सूप और मेरा तालमेन। कहते तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने बोला टमाटो से ऊपर भी उठा कर। ओ ये देखो खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है। दिस इज मिंट वाला, मिंट तंदूर। डैडी ने अपना सूप फिनिश भी कर दिया एक सेकंड में और मेरा वहीं का वहीं पड़ा है। दोस्तों पूरा चट हो गया, इतना मज़ेदार था ये तालमेन सूप, मज़ा आ गया। पता नहीं है हेल्दी अभियान कब खत्म होगा, बट आई एम एंजॉयिंग। अभी पियो, चीयर्स। प्लेट मेरी सच गई है और डैडी ऐसे मुझे देख रहे हैं। दोस्तों डैडी की प्लेट गर्म है, सबसे डैडी टच करी जा रहे हैं। ओह इट्स एक्चुअली हॉट। दोस्तों इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन, जो अपने गुरु की बात मान। डैडी इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। पूछो क्यों डैडी? क्योंकि डैडी ने रेगुलर पानी मंगवाया है। 300 रुपए का कुंडा खाना। ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड स्टूडेंट। सॉरी शट अप कह रहा था मुझे ब्लॉग में आया। हियर कम्स डैडी ने क्या मंगवाया है, चीज नान है ना, अच्छा लग रहा है ना। डैडी ऑर्डर पे ऑर्डर करी जा रहे हैं, अब उसको ये भी पसंद नहीं आया, अब उसने प्लेन नान ऑर्डर करा, बटर नान। हेलो ये बॉटल्स पता नहीं इस लड़के की कितने टाइम से है, ये दो बॉटल्स, ये बेबीज को घुमाना है। तो डैडी ने इतनी लंबी लीच कर दी पॉपकॉर्न की और ये दूसरी सड़क पे जाने को रेडी है। दोस्तों मैं रूम में आई हूँ और ये देखो पॉपकॉर्न ने क्या करा है, मतलब ये लड़के ने मेरी धज्जी उड़ा दी। पहले इसको तोड़ा था, बेवकूफ सा पता नहीं कहाँ है अब। मंडे खा गया ये, मंडे खा गया। ठीक है एक इसका दिसंबर खाया है। क्या करे ये आपने? सिंबा को सिंबा डर रहा है, सिंबा तुझे नहीं डरा रही, बेवकूफ सा, समझ में आ रहा है मम्मा डांट रही है? ऐसे तो मैं समझ जाता हूँ, तो वो क्या चीज है? तू भी नहीं समझता, कोई नहीं समझता, सिर्फ सिंबा समझता है मुझे, बेवकूफ सा। I'm fed up of my, इसी नोट के साथ गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। बहुत बड़ा दिन बहुत बड़ा दिन, रात के 9 बज रहे, चलो देखते हैं 9 बजे के बाद हम क्या क्या गुल खिलाते हैं। चलो आधी गुड नाइट बीच में ही रहेगी। डैडी की कोशिशों के बाद ये थोड़ा सा जुड़ गया है,
सेट हो गया। मंडे है या नहीं है? मिल गया था। मंडे मिल गया? थैंक गॉड, इस लड़की ने धज्जिया उड़ा दी पागल सी ने। थैंक यू डैडी। दिसंबर नहीं है, दिसंबर क्योंकि तेरे कुत्ते ने खा चुके है। कहाँ पे है वो? लास्ट पड़ा है यहाँ पर मेरे पास। लास्ट में चिपका दी, लास्ट में चिपका दूंगी। डैडी ने आज पैसे यहाँ पर सेव कर लिए और डैडी ने पानी की बोतल बचाई 300 रुपए की और साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डर भी करे, तो आज का डे है नो लॉस नो प्रॉफिट वाला। इतना इसको बोलती हूँ ऑर्डर मत करा कर, मत करा कर। अगर हस्बैंड्स लोग वाइफ की बात मानने लग जाए तो जिंदगी आधी ही सुधर जाए हस्बैंड्स की, वाइफ की तो ऑलरेडी सुधरी होती है। तुझे पता है कहते हैं ना हस्बैंड को कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, तो वाइफ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेक। विदाउट नेक हेड किस काम का? जिस डायरेक्शन में नेक घूमेगा वही तो हेड घूमेगा। 100% सही जवाब दिया। और यहाँ मेरी पॉप की शुरू हो गई है भौंकना। दोस्तों नहा धो के मैं गुड गर्ल बन गई हूँ। जिम के बाद चुप चुप बताते हो, आजकल मेरा शेड्यूल उल्टा हो गया, रात को ही नहा लेती हूँ। इट्स ओके। ओ पॉप की अपने पोजीशन बनाने के चक्कर में तो मेरा पानी गिरा देता। कर बैठी हूँ मैं गर्म पानी, उप्स इट्स हॉट। साथ में अपना मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम और लिप बाम। तो इसी नोट पे गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सिम भी खड़ी होगी, मम्मा क्या कर रही है। और घड़ी में टाइम हो रहा है 10:45, अब तो सोने का ही टाइम आ गया। अब इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी और कुछ करा ही नहीं जाता। चलो सी यू टुमारो, बाय। और यहाँ डैडी इधर अपना कुछ कुछ कर रहे था, दिखा रहे। मेरी जीभ भी यहाँ पे वेट करी है कि मम्मा खोले खोले खोले। आओ चलो गुड नाइट बोल दे सबको। जीभ भी चला सोने। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट करता जीभ भी, इतनी अच्छी गुड नाइट करता तू। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।